इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन लोगों में से ना हो जाना जो अमल के बगैर हुस्ने अंजाम की उम्मीद रखते हैं और उम्मीदें बढ़ाकर तौबा को टाल देते हैं, जो दुनिया के बारे में जाहिदों की सी बातें करते हैं मगर उनके आमाल दुनिया के तलबगारों जैसे होते हैं। अगर दुनिया उन्हें मिले तो वो सैर नहीं होते और अगर ना मिले तो कनात नहीं करते। जो उन्हें मिला है उस पर शुक्र से कासे रहते हैं और जो बच रहा है उसके इजाफे के ख्वाहिशमंद रहते हैं। दूसरों को मना करते हैं और खुद बाज नहीं आते और दूसरों को हुक्म देते हैं ऐसी बातों का जिन्हें खुद बजा नहीं लाते। नेकों को दोस्त रखते हैं मगर उनके से आमाल नहीं करते और गुनहगारों से नफरत व इनाद रखते हैं हालांकि वो खुद उन्हीं में दाखिल हैं। अपने गुनाहों की कसरत के बायस मौत को बुरा समझते हैं मगर जिन गुनाहों की वजह से मौत को नापसंद करते हैं उन्हीं पर कायम हैं। अगर बीमार पड़ते हैं तो पशेमान होते हैं और तंदुरुस्त होते हैं तो मुतमईन होकर खेलों कूद में पड़ जाते हैं और जब बीमारी से छुटकारा पाते हैं तो इतराने लगते हैं और मुबतला होते हैं तो उन पर मायूसी छा जाती है। जब किसी सख्ती और आफत में पड़ते हैं तो लाचार और बेबस होकर दुआएं मांगते हैं और जब फराख दस्ती नसीब होती है तो फरेब में मुबतला होकर मुँह फेर लेते हैं। उनका नफ्स ख्याली बातों पर उन्हें काबू में ले आता है और वो यकीनी बातों पर उस पर काबू नहीं पा सकते। दूसरों के लिए उनके गुनाह से ज़्यादा ख़तरा महसूस करते हैं और अपने लिए अपने आमाल से ज़्यादा जजा की उम्मीद रखते हैं। अगर मालदार हो जाते हैं तो मगरूर हो जाते हैं और फितना और गुमराही में पड़ जाते हैं और अगर फ़कीर हो जाते हैं तो ना उम्मीद हो जाते हैं और सुस्ती करने लगते हैं। जब अमल करते हैं तो उसमें सुस्ती करते हैं और जब मांगने पर आते हैं तो इसरार में हद से बढ़ जाते हैं। अगर उन पर ख्वाहिश नफसानी का गलबा होता है तो गुनाह जल्द से जल्द करते हैं और तौबा को ताखिर में डालते रहते हैं। अगर कोई मुसीबत लाहक होती है तो इस्लामी जमात के खसूसी इम्तियाजात से अलग हो जाते हैं, इबरत के वाकयात बयान करते हैं मगर खुद इबरत हासिल नहीं करते। दूसरों को वाज़ो नसीहत करते हैं मगर खुद उस नसीहत का असर नहीं लेते। चुनाचे वो बात करने में ऊँचे रहते हैं मगर अमल में कम ही कम रहते हैं। फ़ानी चीज़ों में नफसी नफसी करते हैं और बाकी रहने वाली चीज़ों में लापरवाही से काम लेते हैं। वो नफ़ा को नुकसान और नुकसान को नफ़ा ख्याल करते हैं। मौत से डरते हैं मगर फुर्सत का मौका निकल जाने से पहले आमाल में जल्दी नहीं करते। दूसरे के ऐसे गुनाह को बहुत बड़ा समझते हैं जिससे बड़े गुनाह को खुद अपने लिए छोटा ख्याल करते हैं और अपनी ऐसी इताअत को ज़्यादा समझते हैं जिसे दूसरे से कम समझते हैं। लिहाजा वो लोगों पर मोतरिज़ होते हैं और अपने नफ्स की चिकनी चपड़ी बातों से तारीफ़ करते हैं। दौलतमंदों के साथ लहव लाभ में मशगूल रहना उन्हें गरीबों के साथ महफिल ज़िक्र में शिरकत से ज़्यादा पसंद है। अपने हक में दूसरे के ख़िलाफ़ हुक्म लगाते हैं लेकिन कभी ये नहीं करते कि दूसरे के हक में अपने ख़िलाफ़ हुक्म लगाएं। औरों को हिदायत करते हैं और ख़ुद को गुमराही की राह पर लगाते हैं। वो इताअत लेते हैं और खुद नाफरमानी करते हैं। अपना हक पूरा पूरा वसूल करते हैं मगर दूसरों का हक अदा नहीं करते। वो अपने परवरदिगार को नज़रअंदाज करके मखलूक से खौफ खाते हैं और मखलूकात के बारे में अपने परवरदिगार से नहीं डरते।